आज सुबह से ही काफी ज्यादा बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें पता चल रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। थापर यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया था, उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया है। और कल ही जो पटियाला का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहां पर जो है लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिसके कारण वहां पर जो है सिचुएशन काफी क्रिटिकल बनी है। अगर आप यहाँ पर न्यूज देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये न्यूज देखें ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी कंडीशंस खराब हो चुकी है पंजाब में। कोरोना नु लेके है 15 विद्यार्थियों की रिपोर्ट तो बाद हुण 12 केस होर सामने आए ने कोरोना दे। कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की गिनती जिहड़ी है हुण कुल 27 हो गई है यूनिवर्सिटी नु। जैसा कि आपने यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि जो यूनिवर्सिटी है उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, जितने भी बच्चे हैं वहां पर यूनिवर्सिटी खाली की जा रही है, बच्चों को घर भेजा जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस बन रही है। तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन की बात छोड़कर जो है अब क्या होगा इस बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि एग्जाम तो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि आप खुद सोचें कि आप कंडीशंस को देख के हिसाब लगाएं कि ऑफलाइन एग्जाम लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पाबंदियां लग रही हैं। तो अब बात रहेगी ऑनलाइन और प्रमोट होने की। तो प्रमोट की बजाय अभी हम बात नहीं करते, ऑनलाइन की बात करते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है और हो सकता है कि आपको जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जो कल है पंजाब के सीएम ने मीटिंग की थी, उसके रिजल्ट आज जो आपके सामने रखे जाएंगे और क्या क्या उन्होंने जो है डिसीजंस लिए हैं वो आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस न्यू वीडियो के साथ, और जो भी जब भी नया अपडेट आएगा साथ में सबसे पहले आप तक हम वीडियो पहुंचाएंगे।